नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि हम लोग सैप से कैसे बैग जो हैं उनको ओपन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था हम लोग बैग्स को सैप में कैसे रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने बैग रिसीव की वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैग रिसीव के बाद आज कैसे बैग को क्लोज करते हैं वो आपके सामने देखते हैं। तो चलिए वीडियो का शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, बैग ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले DPMS पे क्लिक करना होगा, डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ क्लिक करके आपको बैग ओपन मिल जाएगा, नहीं तो आप सीधा अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नीचे बैग ओपन आपको दिख रहा होगा, बैग रिसीव और बैग ओपन, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप बैग ओपन वाली साइट पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए DPMS पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही DPMS पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो DPMS की स्क्रीन है वो अलग से इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से DPMS की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको बैग ओपन दिख रहा होगा अकाउंटेबल मेल्स में, यहाँ पे आपको बैग ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे बैग ओपन पे क्लिक करेंगे तो नई विंडो आपके सामने ओपन होगी एक्सप्लोरर में, न्यू टैब। तो वहाँ बैग ओपन की जो है स्क्रीन वो आ जाएगी, तो ऑफिस की आईडी दिखेगी, उसके नीचे आपकी बैग आईडी दिखेगी। बैग आईडी में आपको जो बैग आए हैं, बैग का लेबल, उस पर या तो नंबर लिखा होगा, नहीं तो बैग लेबल को डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे ही स्कैन करेंगे तो ये देखिए नंबर नीचे आ जाएगा, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं। तो वो आर्टिकल्स आपको आर्टिकल नंबर में या तो टाइप कर लेना है या फिर उसका स्कैनर से स्कैन कर लेना है बार कोड को, और उसके बाद नीचे सबमिट कर देना है। प्रायोरिटी आर्टिकल होगा तो उस पर आपको यस करना है कि प्रायोरिटी का आर्टिकल है, पहले इसको डिलीवर करें। तो ऐसे ही आपके पास कोई और जो बैग आए हैं उनके लिए वो बैग की आईडी आपको स्कैन करनी है, और उसके अंदर वैसे ही वहाँ पे आर्टिकल नंबर दिखाएंगे कितने लिस्ट में हैं, तो उनको आपको यहाँ पर या तो टाइप कर लेना है या फिर वैसे ही आप बार कोड को स्कैन कर लेना है और नीचे सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप अपने बैग को जो है रिसीव कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है जब तक आप पूरे जो बैग हैं उनको स्कैन ना कर लें। बैग के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी को एक एक करके आपको स्कैन करना पड़ेगा। ये देखिए, जिसके अंदर इसके अंदर चार आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिखाएगा अभी टोटल आर्टिकल चार, और जिन जिन को स्कैन करते जाएंगे वहाँ पर स्कैंड आर्टिकल्स में काउंट आते जाएंगे। एक को आपने स्कैन कर लिया तो नीचे स्कैंड आर्टिकल वन हो जाएगा, और उसका जो है आर्टिकल का वेट भी वहाँ पर दिखाता है। और जैसे सेकंड आर्टिकल आपने स्कैन किया तो सेकंड आर्टिकल का वहाँ पे आ जाएगा, टोटल वेट दोनों आर्टिकल्स के आ जाएंगे। तो ऐसे ही जब आप चारों बैग आर्टिकल्स को स्कैन कर लेंगे तो चारों बैग के आर्टिकल्स के जितने वेट थे वो आपको वहाँ पे दिखेंगे, और उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। ये सभी जो हैं अभी पार्सल के बैग हैं। अगर आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर के बैग को आपने ओपन करना है तो उसके लिए भी आपके यही प्रोसीजर रहेगा, यही सेम। आपको बैग की आईडी जो है बैग आईडी में स्कैन करनी है या फिर अपने लेबल से आपको टाइप कर लेनी है, और उसके बाद जो भी आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में वहाँ पर आपको उसको स्कैन करके स्कैन आर्टिकल्स में पहुँचा देना है, और उसके बाद नीचे सबमिट का बटन दिखेगा वहाँ पर आपको ऐसे सबमिट कर देना है। तो अभी जो ओपन हो रहे हैं वो सभी पार्सल के हमारे आर्टिकल्स हैं। पहचान करने के लिए दोस्तों, जो सी से बैग की आईडी होती है या फिर आर्टिकल के नंबर जो होते हैं वो सी से होते हैं, तो वो पार्सल के हमारे रजिस्टर पार्सल के बैग्स होते हैं। रजिस्टर के हमारे आर से शुरू होंगे और जो स्पीड पोस्ट होगी वो हमारी ई से शुरू होगी। जैसे अभी जो कर रहे हैं वो हमारे, देखिए बैग भी ई से शुरू है और उसके अंदर आर्टिकल्स भी ई से हैं। तो ये जो बैग है हमारा, ये स्पीड पोस्ट का बैग था। तो आपको जितने भी बैग यहाँ पे स्कैन करने हैं उनको ऐसे स्कैन कर करके, आर्टिकल के नंबर स्कैन करके आप उनको जो है ऐसे सभी को ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।